इससे पीछे जितनी वीडियो पड़ी हैं, आप उनमें से कोई भी वीडियो क्लिप आपको अगर अच्छा लगता है, कोई सीन अच्छा लगता है, अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं, तो बिना झिझक बगैर किसी डर के आप उसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें, हो दुनिया व आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का वीडियो करते हैं ये शुरू। तकरीबन 8:30 का टाइम हो रहा है, चारा लेने के लिए आए थे, तो चारा हमारा कट चुका है, वो पड़ा है, तो वो लड़का लेके भी जा रहा है आगे, रेडी पे लेके जाएंगे। 4 दिन के बाद ही मैं चारा लेने के लिए आया हूँ, 4 दिन रेस्ट किया है, तो आज अब्बा जी को कुछ काम था इसीलिए मैं आया हूँ। तो मौसम रात से काफ़ी ठंडा है, आसपास कहीं ओले पड़े हैं, काफ़ी ज़बरदस्त पड़े हैं, तो हमारे यहाँ बचा हुआ है बस हल्की सी अंधेरी और बारिश, और रात ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो अभी भी बादल हो रहे हैं। ये देखें, ये सूरत हाल है मौसम की। बस चारा काटने की वजह से कुछ गर्मी महसूस होती है, तो उसकी वजह से कुछ पसीना आया हुआ है, तो जो ये पिछले 4 दिन गुजरे हैं इसने तो बहुत ही ज़्यादा हद कर दी, गर्मी इंतहाई बहुत ज़्यादा थी जो नाकाबले बर्दाश्त थी। बस ये लेके चलेंगे, फिर उसके बाद हम फारिग हैं। तो जो मिस्त्रियों का काम है वो भी तकरीबन नज़दीक लगा हुआ है, 1 या 2 दिन और लगेंगे, वो भी आप दोस्तों को अभी जाके दिखाएंगे। तो पता है ना, ये इतने रख ये हमारी तिलों की फसल है मुकम्मल, तो इस साइड पे भी है, तो कुछ इन्होंने फूल उठाना शुरू कर दिए हैं अभी माशाल्लाह, अभी से ही। तो मैं भी काफ़ी दिनों के बाद इधर मेरा चक्कर लगाया। आज सुबह से मौसम काफ़ी ठंडा है, मज़े का है, मिस्त्रियों ने भी काम माशाल्लाह मज़े से किया है, क्यों मौसम ठंडा हो तो काम करने का पता नहीं चलता है, तो और गर्मी में काम करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो आज मौसम ठंडा होने की वजह से काफ़ी मज़े से काम किया है, तकरीबन नज़दीक लगा हुआ है, कल का दिन एक और लगेगा हमारा, फिर उसके बाद फारिग हैं। कल को बस जो छोटी सी हमारी छत डाली जाएगी वो डलेगी कल को, आज अब्बा जी सामान लेने गए हुए थे शहर, तो वो लेके आए हैं, अभी तकरीबन पहुँचा भी नहीं है, रिक्शे पर आएगा, वो जो TR वगैरह आने थे, तो कल को इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा हमारा काम। एक बात मैंने और करनी थी, जो मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आप दोस्तों के साथ कुछ बात करूं मैं, वो ये कि आप जो मेरे वीडियो क्लिप हैं पीछे जितनी भी पड़ी हैं, उनमें से जो भी सीन आपको अच्छा लगता है आप वो काट कर अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनको वीडियो क्लिप चाहिए होता है, और उनके मुताबिक अगर कोई वीडियो क्लिप पड़ा है पीछे मेरी वीडियो में, तो वो काट के अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, फ्री कॉपीराइट है, मेरी सारी वीडियो काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। मुकम्मल करेंगे तो फिर वो रीयूज़ कंटेंट का मसला आएगा आपके पास, अगर काट के उसकी अच्छी एडिटिंग करके आप मेरी वीडियो अपनी वीडियो में कुछ सीन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा।
मैं काफ़ी दिन से यही कुछ सोच रहा था कि अपनी वीडियो में आप दोस्तों के लिए कुछ फ़ायदा निकालूं, कि आप भी कुछ फ़ायदा उठाना चाहें तो उससे उठा सकते हैं। इससे पीछे जितनी वीडियो पड़ी हैं, आप उनमें से कोई भी वीडियो क्लिप आपको अगर अच्छा लगता है, कोई सीन अच्छा लगता है अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं, तो बिना झिझक बग़ैर किसी डर के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस आज मैं यही कुछ देखने के लिए आया था बाहर, और आप दोस्तों से एक यही बात करनी थी। मैं काफ़ी दिन से इसको लेके बैठा हुआ था। हाँ जी, तो बस यही था कि आप वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हवा काफ़ी मज़े की है, कुछ टाइम एंजॉय करेंगे। मेरा जो दोस्त है जो मेरे साथ आता है रोज़ाना, वो दो दिन से मेरे साथ नहीं आ रहा है। पिछली वीडियो में था, लेकिन कल मैंने उनको बुलाया था तो नहीं आए। आज भी मैंने उनको कॉल किया है, लेकिन वो शहर में गए हुए हैं, खाने वाले शहर में है। कुछ बाइक का काम करवाना था, वो कहते थे जब मैं वापस आऊँगा तो आपको मैसेज करूँगा। तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर देखते हैं उस टाइम तक हमारी वीडियो चलती है कि नहीं चलती है, या मैं उससे पहले इसको ख़त्म कर दूँ, क्योंकि इसकी कुछ आगे भी काम करना है। बस कहते हैं ये मेरा एक दोस्त है, काफ़ी टाइम से है, वो पीछे से बात कर रहे हैं कि बस करें, तो अभी उनके पास चलते हैं। बस नहीं होती ना, नहीं नहीं और पानी ला लगा कैनू कितने भेजे चरी खाद भी पानी आनी नहीं।